नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार इस समय प्रीता बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रही हैं, क्योंकि दोस्तों वहीं पे शादी हो चुकी है इस समय। और शादी होने के बाद में जैसे ही पलकी की शादी हुई है, बल्कि इस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो ले रहा है वो इस समय लेता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि सौर्य बहुत ही ज़्यादा मज़े ले रहा है, जहाँ पर इस समय राजवीर बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि आखिरकार भगवान ये ऐसे क्या हो गया। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सौर्य जब जब अपसेट हो जाता है, जब जब टेंशन में नज़र आता है। और राजवीर की बात की जाए तो राजवीर ने यही बोल दिया है अपनी माँ से, प्रीता से, कि शायद मौसम मेरी किस्मत में ही नहीं है पलकी। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस समय जयमाला पड़ रही है, और जयमाला पड़ते समय सबसे ज़्यादा भावुक होता हुआ नज़र आ रहा है। और भावुक होने के पीछे की भी एक वजह नहीं, बल्कि इस समय कई कई वजह सामने देखने को मिल रही हैं दोस्तों। आप लोग जानते ही हैं कि लगातार सभी घर वाले भी हालांकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नज़र आ रहे हैं, और घर वाले की छोड़ो कि इस समय और भी बहुत लोग इस समय सबसे ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है और ये ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि दोस्तों अभी तक किसी इंसान ने भी सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा भी देखने को मिलने वाला है, कि जब सभी लोग इस चीज़ को बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार राजवीर के साथ में तो वाकई में सबसे ज़्यादा बुरा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी तक किसी ने सोचा नहीं था कि राजवीर कुछ इस मोमेंट से भी गुजरेगा, लेकिन दोस्तों जो इस मोमेंट से राजवीर गुजर रहा है वो वाकई में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली है। क्योंकि लगातार सभी लोग कन्फ्यूजन की स्थिति में और कसम कस की स्थिति में नज़र आ रहे हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करके जरूर बताइए। गाइज थैंक यू सो मच।